हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट बताने वाला हूँ। ये स्पेस जैसी आप देख सकते हैं जिसमें टू वे लेन है, ये इतनी सी स्पेस में कार आ भी रही है और जा भी रही है, और इसमें हमें जजमेंट लगाना है अपने लेफ्ट का और राइट का, तभी हम कार आगे निकाल सकते हैं। सामने से जो ट्रैफिक आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं हैंडल कर रहा हूँ अपनी कार को। तो पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कितनी सी स्पेस है और यहाँ से हमें कार को आगे चलाना है और कार बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट परफेक्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप लेफ्ट देख सकते हैं, ये जो लेन है ये एंड हो रही है, और राइट से आप ट्रैफिक देख सकते हैं आ रहा है, आगे हो सकता है कार भी आए। अकॉर्डिंगली हमें कार को आगे अपनी ड्राइव करना है, लेके जाना है, और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें जजमेंट बहुत जरूरी पड़ता है यहाँ पे, किस तरह से हमें जजमेंट लगाना है। आगे देखिए, आप कार आ रही है और पीछे से टू व्हीलर ओवरटेक एक ले रहा है मेरे को, ये दोनों का जजमेंट, ये देखिए मेरे को लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को अकॉर्डिंगली स्पीड में लेते हुए निकल जाना है यहाँ से, और सामने वाली कार भी उसी तरह से जजमेंट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जजमेंट आप लगाते कैसे हैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखिए लेफ्ट का जजमेंट अगर हम जब लगाएंगे, ये कार की जो एंड आप सिटिंग पोजीशन से अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट पार्ट कार का लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ और हम ड्राइवर सीट की अगर ध्यान देंगे, ड्राइवर सीट से यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो ड्राइवर सीट से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो तिरछा आएगा। आप देखिए, अगर ड्राइवर अगर वहाँ से देखेंगे और लेफ्ट की तरफ जजमेंट लगाना होगा उनको, यहाँ पे लेफ्ट का जजमेंट लगाना होगा, तो उन्हें टेढ़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट देखेंगे तो यहाँ व्यू आएगा, उन्हें थोड़ा सा टेढ़ा देखना होगा ताकि ये पॉइंट होते हुए ये आपका लेफ्ट का जजमेंट लगे। वो पॉइंट कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो आप यहाँ देखिए, यहाँ मिडिल पॉइंट है, ये डैशबोर्ड है कम्प्लीटली, वो मिडिल पॉइंट ये होगा। अगर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से जब ड्राइवर देखेगा ये पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए, अगर आप यहाँ से टेढ़ा देखेंगे यहाँ तक, तो आपके कार का जो है लेफ्ट का जो जजमेंट होगा वो प्रॉपर हो जाएगा कम्प्लीटली। आप जो है जब ड्राइव करेंगे, ड्राइवर जब ड्राइव करेगा तो वहाँ से जब जो भी चीज़ यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाते हुए देखेगा, तो उसको क्लियरली विजिबल होगा कि ये रेफरेंस पॉइंट लेने से आपकी कार का जो है, ये रेफरेंस पॉइंट लेने से आपकी कार जो है लेफ्ट का जजमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स, लेफ्ट का जजमेंट लगता है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कार वहाँ से ड्राइवर ड्राइव करके आ रहा है, तो आप रेफरेंस पॉइंट अगर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर अंदर जाके मैं दिखाऊंगा, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वहाँ से अगर कोई देखेगा तो मिडिल पॉइंट लगाते हुए यहाँ तक आएगा, ये जो मेरा हैंड आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं बाहर खड़ा था, आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं बाहर से अंदर की तरफ देख रहा था, तो मुझे जिस पोजीशन पे एग्जैक्ट खड़ा था वहाँ का लेफ्ट का जजमेंट हमें लगाना होता है अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी अब जैसे हम यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बैठे हैं ड्राइवर सीट पे, यहाँ से मैं लेफ्ट का जजमेंट अगर लगाऊंगा जहाँ पे मैं खड़ा था उस पोजीशन से, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो वो पोजीशन मेरे लेफ्ट में ऐसे तिरछी आएगी डायगनली। तो वो पोजीशन पे मेरे को रेफरेंस लगाने के लिए मुझे डैशबोर्ड के, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डैशबोर्ड के हाफ से ऐसे एंगल में देखना होगा लेफ्ट की तरफ, ऐसे, ये आप मेरी फिंगर देखिए, ऐसे एंगल में देखना होगा। जितना मैं लेफ्ट की तरफ, जैसे ही ये डैशबोर्ड का जो मिडिल पार्ट है उसको रेफरेंस में लगाते हुए लेफ्ट की ऑब्जेक्ट से मैच करता हूँ, उतने मेरी कार का जो है लेफ्ट का जजमेंट परफेक्ट होगा। और ये पॉइंट जो है, जो डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, इससे हमारी कार अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इससे बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब और लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तब तक मेरी कार सेफ है, निकल सकती है। लेकिन जब डैशबोर्ड के हाफ के थोड़ा सा भी इधर में पॉइंट पे, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये इस पोजीशन पे, ये देखिए जैसे मेरी फिंगर है, इस पोजीशन पे अगर कुछ खड़ा होगा तो लेफ्ट साइड में हिट हो जाएगा। यही चीज अगर इस तरफ होगी, थोड़ी मिडिल पॉइंट से थोड़ी सी इधर इस तरफ होगी, अगर इस पोजीशन पे कुछ खड़ा होगा तो मेरी कार लेफ्ट से आराम से उससे निकल जाएगी। तो आपको रेफरेंस के हिसाब से दिखाता हूँ मैं आगे बढ़ा के कार, मैं उस पोजीशन पे फिंगर लगा लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ये जो फिंगर मैंने लगाई है, अगर इससे मैच करता हूँ मैं किसी भी चीज को, ये देखिए प्लांट आ रहा है लेफ्ट में, अगर मैं वहां लेके जाता हूँ मैच करता हूँ, ये देखिए प्लांट एकदम इजीली उसके पास से निकल जाएगा। अब यही चीज अगर मैं ऐसे करता हूँ और प्लांट अगर मैच करने लगूंगा, ये देखिए अगर मैच करने लगूंगा तो और लेफ्ट कार लेके जाऊंगा, तब हिट हो जाएगी मेरी कार। आप रियर व्यू मिरर में थोड़ी सी आगे बढ़ाने दीजिए, अब आप रियर व्यू मिरर में देखिएगा मेरा जो प्लांट है कार को हिट हो जाएगी। ये देखिए पहले वाला जजमेंट जो मैंने लगाया था परफेक्टली लेफ्ट निकल गया है उसका। और जब हम और इसको जो ये मिडिल पॉइंट है, ये पॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा इधर करेंगे
तब मेरी कार जो है हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। और उस पोजीशन पे अगर मैं रेफरेंस लगाता हूँ, ये मिडिल पार्ट से इस तरफ से अगर रेफरेंस लगाता हूँ, तो मेरी कार जो है हिट हो जाएगी सामने वाले पार्ट पे। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे मैं रेफरेंस लगाता हूँ, ये देखिए मेरा ये फिंगर। आप अगर ये फिंगर इधर हो जाती है और आप इससे ऑब्जेक्ट का मैच करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उससे मैच करेंगे, ये देखिए फिंगर से मैंने मैच कर लिया आगे वाला फ्लावर को, तो मेरी कार इजीली निकल जाएगी। क्योंकि लेफ्ट में जितनी आप मैच करेंगे उतना परफेक्ट होगा आपका जजमेंट लेफ्ट के साइड से, लेकिन मिडिल पॉइंट से अगर आप इस तरफ करेंगे तो आपकी कार का जो है हिट होने का चांसेस है। और इनफैक्ट वो रेफरेंस जो होगा रॉन्ग होगा, मतलब वो अगर आप रेफरेंस लगा के चलाएंगे कार को, वो आपकी कार हिट हो जाएगी लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर आप मिडिल पॉइंट या उस तरफ का जितना भी पॉइंट आ रहा है, ये आ गया या इस तरह से आ गया, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप रेफरेंस लेंगे तो आपकी कार आराम से निकल जाएगी लेफ्ट साइड से, क्लियर रहेगा। लेफ्ट का जजमेंट फ्रेंड्स, ये सीटिंग पोजीशन जो कार के सिटिंग पोजीशन है जहाँ पे मैं हम ड्राइव कर रहे हैं, वहां पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं आप, कार का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है, इसका हाफ का हम जजमेंट लेते हैं। हाफ का हम जजमेंट लेते कैसे हैं फ्रेंड्स, ये होता है कि जैसे हम जजमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आगे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सपोज हम लेफ्ट साइड से उसको ओवरटेक लेना चाहते हैं, या हमें टायर जो है अपने उस एंगल पे रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, फुल डैशबोर्ड, आप मेरी फिंगर्स पे ध्यान दीजिए, फुल डैशबोर्ड जो है इसके हाफ का जजमेंट हम लगाएंगे। हाफ जो होता है डैशबोर्ड का, हाफ जो होता है, वहां से अगर हम कुछ भी आगे की तरफ एंगल बनाएंगे, जैसे आप देखिए मेरे हैंड को आगे कुछ भी आता है और हम उसको मैच करते हैं अपने डैशबोर्ड के हाफ से, तो हमारी कार आराम से निकल जाती है उस लोकेशन से। तो इसमें ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे आप अगर थोड़ा सा ये आगे चलेगा, ये अब आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब मैं देखिए लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए इसको निकालूंगा, यहां से ओवरटेक ले लेता हूं। तो अभी यहां से हमें ये देखिए लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लेना है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट का जजमेंट, ये देखिए इसको कैसे मैं ओवरटेक लूंगा, ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए मैंने इसके पास से अपनी कार को निकाल लिया है। ये मैंने कैसे किया फ्रेंड्स, जब हम डैशबोर्ड का हाफ लेते हैं मेजरमेंट में, उसके बाद हमें क्या करना होता है, आगे आप व्हाइट लाइन जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, व्हाइट लाइन देख रहे हैं, मैं अपनी कार को उसके ऊपर चला सकता हूँ, ऐसा जजमेंट लगाना है। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, फुल लेफ्ट में ये जो ए पिलर है, ये आपको दिख रहा होगा कि जो आगे की तरफ जो ग्रीनरी है या गार्डन एरिया है या जो भी आप जो प्लांट्स देख रहे हैं उस पे उसके तरफ दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम मिडिल पॉइंट से रेफरेंस लगाते हैं अपनी कार का, जैसे कि डैशबोर्ड के हाफ से मेजर लगाते हैं, तो हमारा टायर जो है लेफ्ट साइड का वहीं पड़ेगा। अब वो कैसा है देखिए आप फ्रेंड्स, जो व्हाइट लाइन आपको मैंने दिखाई लेफ्ट साइड में, व्हाइट लाइन है, उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ अपना मिडिल पार्ट को। अभी थोड़ा सा राइट में आ गया हूँ क्योंकि सब चीज लेफ्ट में थी और अकॉर्डिंगली मैं कार अपनी स्पीड में निकाल रहा था। अभी मैं स्लो डाउन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइन है आगे की तरफ में, व्हाइट लाइन आपको दिख रही होगी, और मेरा डैशबोर्ड का जो हाफ है, ये डैशबोर्ड है उसका हाफ जो है पार्ट, वो व्हाइट लाइन को टच कर रहा है। आप अगर कैमरे में ध्यान से देखिएगा, वीडियो में प्रॉपर आपको दिखेगा, ये जो डैशबोर्ड का हाफ पार्ट है जो कि वहां पे ब्लैक सा टैग है, वो आगे वाली व्हाइट पट्टी को टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कार जो है एग्जैक्ट उस व्हाइट पट्टी पे, जो लेफ्ट साइड की पट्टी है जिसपे लाइन बनी हुई है, उस पे है मेरी कार एग्जैक्टली। अभी यहां से हम ओवरटेक ले लेंगे फ्रेंड्स, यू टर्न ले लेंगे, ओवरटेक नहीं सॉरी, यहां से हम यू टर्न ले लेंगे, हमें पीछे की तरफ जाना है। मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया फ्रेंड्स। अब जब हम ड्राइव कर रहे हैं, आपको लेफ्ट का जजमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट हमें डैशबोर्ड के हाफ से अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं। हमारे आगे जो भी चीज चल रही है या रुकी हुई है या जो भी पोजीशन है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम उसके साथ इस टैग को मैच करते हैं, या हाफ जो डैशबोर्ड का हाफ पोजिशन है उसको हम लेते हुए कार को ड्राइव करते हैं। अभी देखिए यहाँ से मेरे को एकदम स्पेस नहीं थी,
यहाँ पे लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने कार को स्लो डाउन हुआ। जैसे ही मुझे स्पेस मिली, मुझे लगा कि अब मेरी कार निकल जाएगी, तब मैंने फिर से वापस से कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मेरा फुट मूवमेंट देख सकते होंगे फ्रेंड्स, मैंने कब ब्रेक अप्लाई की थी और कार को स्लो डाउन किया था। और अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट जब कर रहे होते हैं तो हमें दोनों का जजमेंट एक साथ लगाना होता है। नहीं तो अगर आपका लेफ्ट हो सकता है क्लियर और राइट में स्पेस नहीं होगी, तो आपको लेफ्ट के तरफ स्टीयरिंग टर्न करके आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको स्पेस मिल जाए। अभी अभी ये देखिए आगे जो चल रहे हैं उनको मेरे को ध्यान से देते हुए, मतलब ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि हम मूवमेंट पे ध्यान देंगे अपनी कार का और लेफ्ट का जजमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। तो वैसे ही मैं जजमेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स लेफ्ट का, जैसे आपको बताया मैंने कि जब हम लेफ्ट का जजमेंट कर रहे होते हैं तो हमें डैशबोर्ड के हाफ से मेजरमेंट आगे ऑब्जेक्ट का लगाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जज कर सकेंगे अपनी लेफ्ट साइड का। तो अगर हम वो चीज रेफरेंस लेते हुए, अपने डैशबोर्ड के हाफ का रेफरेंस लेते हुए अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो हमारी कार इजिली निकल जाएगी। और आपको एक चीज बताता हूँ फ्रेंड, जब हम इतनी सी स्पेस होती है हमारे कार की निकलने की, लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट, इतनी सी स्पेस अगर होगी तो हमारी कार निकल जाएगी। हम ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब ड्राइवर की सीट में बैठे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें इतनी सी स्पेस, अगर यहाँ पे आपको विंडशील्ड में अगर इतनी सी स्पेस अगर आपको रोड पे दिख रही है, इतनी सी देखिए आप मेरे हैंड का, इतनी सी अगर आपको स्पेस दिख रही है तो आपकी कार जो है आराम से निकल जाएगी। ये देखिए मैं अगर एंगल ऐसा रखता हूँ, आप देखिए रोड की हमको पूरी चौड़ी जगह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए जो मैं आपको अपने आर्म्स या फिर आप मेरे हैंड्स में देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेरा लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट परफेक्टली हो जाता है। तो फ्रेंड्स लेफ्ट का जजमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया डैशबोर्ड के हाफ के अकॉर्डिंग, अब मैं आपको राइट का जजमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स राइट का जजमेंट हम जब करते हैं तो हमें ए पिलर का ध्यान देना होता है। ए पिलर अगर मेरा क्लियर है, ए पिलर से अगर आप थोड़ा सा पास में भी किसी ऑब्जेक्ट का लगाते हैं तो आपको क्लियर है कि आपकी कार वहां से निकल जाएगी। और अगर आपने स्पेस सामने वाले के हिसाब से देखना है कि सामने अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपके समझ लीजिए 2-3 फीट आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वहां से अगर आपको जजमेंट लगाना है कि ये चीज निकल पाएगी कि नहीं मेरी कार, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपका ए पिलर और जो वाइपर है, वाइपर के एंड में देखिए एक एंड एंड क्रिएट हो रहा है, जो एंड बना हुआ है वाइपर का एंड पार्ट जो है, उसके साथ आप अपना मैच करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, आगे चलने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट में मैच करेंगे तो आपका जो राइट व्हील्स है वहीं पड़ेगा। अभी देखिए आगे मार्केट प्लेस आने वाला है, तो उस मार्केट प्लेस में मैं किस तरह से ड्राइव करूंगा, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लेते हुए मेरे को कार को निकालना पड़ा। तो ये दोनों जजमेंट मैंने उसी हिसाब से लिया आपको जैसे एक्सप्लेन किया था। अभी ये मार्केट प्लेस आ गई है, यहाँ पे देखिए सामने से कार आ रही है, मेरे पास कितनी सी स्पेस है और मैंने हल्की सी लेफ्ट लिया और सामने से आने वाली कार ने भी अपना लेफ्ट लेके अपनी कार को निकाल लिया। आगे से फिर से देखिए यहाँ पे लोग भी चल रहे हैं और मार्केट प्लेस है और सामने से ट्रक भी आ रहा है। इस पोजिशन पे मुझे अपनी कार का लेफ्ट और राइट का दोनों का जजमेंट लगाना है और अपनी कार को आगे बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे स्पेस क्रिएट होगी वैसे वैसे आगे बढ़ाऊंगा, जैसे ही लगेगा स्पेस नहीं है तो मैं कार को स्टॉप कर दूंगा। अभी वो ट्रक वहां पे स्टैंड स्टिल होगा, पीछे से कार्स भी आ रही हैं, तो मुझे जजमेंट का देखना पड़ेगा किस तरह से मैं जजमेंट लगाऊंगा अपनी कार का। ये देखिए स्पेस मेरे पास क्रिएट होगी तब मैं निकालूंगा। ये एकदम टाइट शेड्यूल टाइट सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पे, सामने से ट्रैफिक जब तक रुकेगा नहीं तब तक मैं निकाल नहीं सकूंगा अपनी कार को, ये जो ट्रक बीच में आया है इसने ब्लॉक कर लिया है रोड को। मैं कार अपनी बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं कार आगे जाके लगा सकूं, जिससे दूसरे जो रोड में ट्रैफिक आ रहा है वो रुक सके, आगे से और कुछ आ नहीं रहा है। हाँ ये आगे बढ़ाएंगे तो ही आगे कुछ हो पाएगा। स्पेस बन गई है, अब मैं स्पेस बनी हुई में अपनी कार को एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट मैंने ट्रक से लगाया और राइट साइड का जजमेंट अपना उसी हिसाब से लगाया जैसे आपको मैंने बताया था, और अपनी कार को यहाँ से निकाल लिया।
ऐसी सिचुएशन में कार को निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको राइट और लेफ्ट का दोनों का जजमेंट लेना होता है, और जजमेंट वैसे ही मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे ही आता है फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से जजमेंट लगाएंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है फ्रेंड्स, आप कहीं भी ओपन स्पेस में कार को अपनी ले जाएं, रेफरेंस पॉइंट बनाएं, ट्रैफिक में एकदम से ले जाके मत बनाएं इसको रेफरेंस पॉइंट, नहीं तो आपको अगर जरा सी भी चूक होती है तो आप हिट कर देंगे अपनी कार को राइट से या लेफ्ट से। तो ये एकदम ऐसा है कि फ्रेंड्स इंच इंच की गैप से भी निकाल सकेंगे अगर आप इससे जजमेंट लगाते हैं तो, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी इनिशियली ओपन स्पेस में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कम्प्लीटली लेफ्ट और राइट के जजमेंट के बारे में थी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।